दोस्तों हम सब जानते हैं कि पीपल के पेड़ को देव वृक्ष कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसका बहुत ही महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ में जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और ऊपर के भाग में भगवान शिव का वास होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों आइए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। किसी भी शुक्रवार के दिन ये एक पत्ता चुपचाप से अपने पर्स में रख लेना गुप्त लक्ष्मी धन प्राप्ति का ये ऐसा उपाय है जिसे आपने किसी भी शुक्रवार के दिन कर लिया तो आप अपने जीवन में रातों रात करोड़पति बन जाएंगे और ये एक पत्ता आपके जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जो लोग अपने जीवन में चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उन्हें अपने जीवन में पैसा मिले और बहुत जल्दी हम धनवान बनते चले जाएं तो उन लोगों को विशेष कर ये एक पत्ता शुक्रवार के दिन अपने पर्स में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो आपको शुक्रवार के दिन करना है। देखिए आपको बता दें कि इस उपाय को करने का एक समय है और इसे करने का एक तरीका। अगर आपने सही टाइम पर सही तरीके से इस पत्ते को अपने पर्स में रख लिया और उपाय को ऐसे ही कर लिया जैसे हम आपको वीडियो में बताएंगे तो ऐसा मान लीजिए कि अब आपकी निर्धनता को दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने ही वाली है और आपका पूरा घर धन से अब भरने वाला है क्योंकि उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति की गरीबी बहुत जल्द दूर हो जाती है। जिन लोगों ने ये उपाय किया है उन्हें पता है और जिन्होंने नहीं किया है वो इस उपाय को करें और खुद देख लें कि कैसे रातों रात आप अपने जीवन में धनवान बन जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जब व्यक्ति के पास निर्धनता आती है, गरीबी आती है तो व्यक्ति अपने जीवन में हर तरफ से परेशान हो जाता है। अब आज के टाइम पर हर किसी को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने घर की जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब बहुत बार होता क्या है कि अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अचानक से नौकरी चली जाती है, अचानक से पैसों की कमी जीवन में आने लगती है, आर्थिक समस्याएँ बढ़ जाती हैं और कभी कभी तो धन की कमी इतनी ज़्यादा घर में आ जाती है कि बिल्कुल तिजोरी जो है ये धन से खाली हो जाती है। घर की तिजोरी में कुछ चंद सिक्के ही रह जाते हैं और पैसा कभी फिर उसे घर में नहीं आता। ऐसा भी बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि उनके घर में पैसा आना बिल्कुल रुक जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि पैसा आना बिल्कुल आपके पास रुक गया है और यहाँ तक कि आपको अगर लोगों से पैसा तक उधार लेना पड़ रहा है तब तो आपको विशेष कर उपाय जरूर करना चाहिए। जल्दी से दोस्तों बात कर लेते हैं कि कौन सा पत्ता है और इस उपाय को कैसे करना है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा जो सनातन धर्म है पौराणिक काल से ही आपको बता दें पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जा रही है क्योंकि बता दें पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। देखिए पीपल के पेड़ में ब्रह्मा जी का ऊपर के भाग में शिव जी का और तने में विष्णु जी का वास होता है। साथ ही साथ आपको बता दें पीपल के पेड़ की उपासना करने से शनि देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमारे जो ग्रह होते हैं अगर वो अशुभ स्थिति में है तो उनसे भी मुक्ति मिल जाती है और हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति हो, धन की वृद्धि हो और अपार धन मिले। इतना धन की व्यक्ति संभाल ना पाए तो हमेशा आपको पीपल से जुड़े हुए उपाय करने चाहिए क्योंकि पीपल का ही पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ऊपर है यानी सर्वोपरि है। सबसे ज्यादा पूजा अर्चना जो की जाती है और सबसे उत्तम है ये। जो पेड़ों में जितने भी पूजा पाठ के पेड़ होते हैं सबसे उत्तम जो है ये पीपल का ही पेड़ है क्योंकि इसमें त्रिदेव का वास होता है और आज की वीडियो में जो उपाय आपको करना है वो पीपल के पत्ते से ही करना है। अब दोस्तों ये एक पीपल का पत्ता ना आपको करोड़पति बना देगा तो आप कह देना पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ अगर उपाय करेंगे तो आप करोड़पति बनकर रहेंगे। और अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह शुभ स्थिति में बैठा है होगा अगर ग्रहों की वजह से भी तो देखिए जीवन में निर्धनता आती है, गरीबी आती है, कर्ज जैसी समस्या आती है तो उससे भी आपको बहुत ही लाभ होगा।
अब दोस्तों करना कैसे है इस उपाय को, सबसे पहले आपको ये समझना है। देखिए सबसे पहले तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, कटा फटा बिल्कुल भी ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक पीपल का पत्ता ले लिया, अब आपको क्या करना है कि शुक्रवार के दिन इस पीपल के पत्ते को अच्छे से आपको गंगा जल से और साफ पानी से धो लेना है। फिर गंगा जल से इसको साफ कर लेंगे, क्योंकि गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है, इसीलिए हम गंगा जल का प्रयोग करेंगे उपाय करने के लिए। तो उसमें करते हैं, जैसे कि पीपल का पत्ता है तो उसके लिए हम गंगा जल का प्रयोग करेंगे, गंगा जल से साफ कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये पीपल का पत्ता माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको रख देना है, ऐसे ही रख देना है। शुक्रवार के दिन पूरे टाइम इसको रखा रहने दें। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, ये पत्ता उठाना है और आपको श्रीम 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 तीन बार बोलना है। ध्यान रहे, तीन बार बोलना है श्रीम श्रीम श्रीम, तीन बार बोलेंगे और फिर ये पीपल का पत्ता आप अपने पर्स में रख लेंगे। जहाँ पर भी मतलब आप जाते हैं, बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, किसी के घर पर जा रहे हैं, जो पर्स आप हमेशा अपने पास रखते हैं अपने पैसों का, बस उसी के अंदर आपको ये पीपल का पत्ता रखना है। अगर यहाँ पर आप श्रीम श्रीम बोलना भूल भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर माँ लक्ष्मी का ध्यान कर लेना, श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेना और इस पीपल के पत्ते को आप इस तरह से यानी शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने रखकर अगले दिन अपने पर्स में रखकर देख लें। कुछ दिनों के अंदर अंदर आपकी निर्धनता और गरीबी बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि आपको पीपल के पत्ते से ही करना है। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे घर पर, हमारे सर पर तो कर्जा बहुत अधिक रहता है, हमारे घर में तो बिल्कुल पैसा नहीं आता, हमें तो लोगों से उधार लेना पड़ता है, हमारे घर के बाहर लोगों की लाइन लगती है पैसों के लिए। देखिए दोस्तों, होता भी है जब व्यक्ति बहुत लोगों से पैसा ले लेता है। पहले तो देखिए जानबूझकर कोई पैसा उधार नहीं लेता, उसके जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि उसे लोगों से पैसा मांगना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो दोस्तों जब व्यक्ति के दरवाजे पर लोग आकर खड़े होते हैं तो उस व्यक्ति से पूछिए कि उसे कैसा लगता होगा कि उसे इतने सारे लोगों को पैसा देना है। तो देखिए अब आपके सर पर कर्ज बढ़ जाएगा, कर्ज जीवन में बहुत लेना पड़ रहा है, तो हमेशा पीपल के पत्ते से जुड़ा उपाय कर लेना चाहिए। करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन एक पीपल का पत्ता लेना है और उस पीपल के पत्ते के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है और फिर आपको ये पीपल का पत्ता अपने घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने या फिर हनुमान राम की कोई भी मूर्ति प्रतिमा है, उनके पूरे परिवार की है, तो वहाँ पर आपको अपने मंदिर में रखना है और फिर इस पीपल के पत्ते को आपको उठाना है और अगले दिन दोस्तों आपको इसे अपने पर्स में रख लेना है। हमेशा आप देखेंगे कि आपका पैसा जो है वो बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी और किसी से भी ना अपने पूरे जीवन काल में, केवल एक दो महीने तक, एक दो साल की बात नहीं, किसी भी टाइम किसी भी साल में आपको किसी से भी एक रुपए भी उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको किसी और से पैसे मांगने पड़े, उधार लेना पड़े, क्योंकि दोस्तों ये संकट मोचन हनुमान जी हैं और आपके जीवन में संकटों को आने से ही रोक देंगे, क्योंकि आपने भगवान राम का नाम लिखकर पीपल का पत्ता अपने पास रख लिया है और जहाँ पर राम नाम आया तो वहाँ पर हनुमान जी उस व्यक्ति के पास कोई दुख और संकट आने ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही उत्तम उपाय है, आप सभी को मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए ये मंगलवार और शुक्रवार के दो पीपल के पत्तों के उपाय आज मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए खास रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियोस हम हमारे चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आपसे फिर मिलूंगी और एक नए वीडियो के साथ, नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।